तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अपने फ़ोन की मदद से पीडीएफ फाइल बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिनके अगले महीने SOL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनको अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है और अपने पेपर को लिख के उसका PDF बना के अपलोड करना है, तो उन बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखिए, छोटे से वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना ताकि और बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर जाके हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आगे अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर ऐप में। जब दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर ऐप में आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है DOC स्कैनर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ DOC स्कैनर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर आ जाता है। तो जब दोस्तों ये सर्च कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला ऐप आएगा कुछ इस तरीके से। आपको इसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है और फिर सिंपली इसे ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जब ये ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा, कुछ परमिशंस मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अगर अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो अगर कैप्चर करके रखी है तो आपको सिंपली इस आइकॉन पर क्लिक करना है। तो आप अपने गैलरी में जाएंगे, यहाँ से अपनी आप फोटोज़ को ला के उसको PDF बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे फ़ोन की गैलरी खुल जाती है, यहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ मेरे पास होंगे सब यहाँ पे दिखेंगे और मैं इनका किसी का भी PDF बना सकता हूँ आसानी से। फिलहाल हम मैं चल रहा हूँ आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखाने कि आप उसका PDF कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको ये जो कैमरा वाला आइकॉन है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरा वाला आइकॉन आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक बुक है, तो SOL की बुक है, तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं इस तरीके से। और जब आपका पेपर हो जाएगा, अपना पेपर लिख लेंगे, तो आपको सिंपली अपने बुक का जो पेज होगा इस तरीके से निकालना है और उसकी एक बिल्कुल अच्छे से ऐसे फ़ोटो जो है क्लिक कर लेनी। तो यहाँ पर जल्दी से फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली और वो फ़ोटो मेरे इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। अब आपको इस फ़ोटो को यहाँ पर इसका साइज़ लेना है, आपको कितना साइज़ चाहिए और कहाँ से क्रॉप करना है, इसको आपको बिल्कुल बढ़िया से इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि बिल्कुल सही हो चुका है तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ से जो है कलर फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके में ज़रूरत नहीं। तो हम करेंगे क्या, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी फ़ोटो में कुछ गड़बड़ी होगी तो आप रीटेक पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से फ़ोटो ले सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरा सही है तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये प्रोसेस होने लग गया एक फ़ोटो का। अब अगर हम इसमें और पेज ऐड करें तो हम सिंपली करेंगे और भी पेज की फ़ोटोज़ लेंगे, जैसे ये वाला पेज, तो हम सिंपली इसकी फ़ोटो ऐसे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी फ़ोटो भी इस तरीके से आ गई है। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे क्रॉप करेंगे। आपको अपने सारे फ़ोटोज़ को इस तरीके से क्रॉप करना है और आपको जितने पेजेस के लेने हैं एक PDF बनाने के लिए, यहाँ पर हम एक PDF बना रहे हैं और यहाँ पर हमने एक PDF के लिए फ़ोटोज़ लिए। तो अभी हम पहले एक दो फ़ोटो और ले लेते हैं, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ पूरा PDF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीसरी फ़ोटोज़ भी ले ली। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि इसे क्रॉप करेंगे बिल्कुल सही से और कंटिन्यू कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया। तो जब आपकी पूरा तीन फ़ोटो या चार फ़ोटो जितना भी आपका एक PDF बन जाए तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर राइट वाले पर क्लिक कर देना है। जब आप राइट वाले पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो इस तरीके से आपके PDF एक बार यहाँ पर प्रीव्यू होगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, ये हमारा PDF बन चुका। तो हम इसमें सिंपली करेंगे क्या, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सेव और शेयर नहीं करना, आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है ओपन PDF। ये वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट PDF फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका PDF के सारे पेजेस दिखेंगे। जो मैंने यहाँ पर तीन फोटो ली थी, आप देख सकते हैं तीनों पेजेस की बढ़िया क्लियरिटी वाले PDF बन चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना कि यहाँ पे आप इसका साइज़ देख सकते हैं और आप किसी और ऐप में भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो सेव वाला ऑप्शन मिलता है हम इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली, और इस तरीके से दोस्तों हमारा जो PDF यहाँ पे सेव होने लगा। आप चाहे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसका टाइटल भी कुछ और दे सकते हैं, जो भी आप टाइटल यहाँ पर देना चाहें। जैसे मैं 1 दे सकता हूँ इसे, 1 पेपर PDF ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेपर का वो PDF भी दे दिया। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या, इसको PDF और JPG का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे मैं PDF पे रखूँगा तो ऑलरेडी PDF पे रहेगा, तो आपको यही रख लेना है।
इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव एज पीडीएफ हो चुका है तो आपको सिंपली कहाँ सेव करना है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेव करने के लिए इंटरनल स्टोरेज अपने क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों आप मेरा जो ये पीडीएफ है यहाँ पे, ये न्यू फोल्डर इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ सेव पे मैं क्लिक कर दो, ये पीडीएफ मेरा सेव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पीडीएफ हो गया सक्सेसफुली सेव। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ मेरा पीडीएफ है कहाँ पे। तो गाइस मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ पे देखिए मैं फाइल मैनेजर में आ गया। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही डाउनलोड्स में एक दिख जाता है पीडीएफ बना हुआ, और आपको यहाँ पे नाम देखिए तो आप डॉक्यूमेंट्स पे अपना सिंपल जा सकते हैं। यहाँ पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपने जो मैंने पीडीएफ बनाया था यहाँ पे टॉप पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो पीडीएफ आ जाएगा तो इसके व्यू करने के लिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाके खुल जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सारा पीडीएफ था वो यहाँ पे 1, 2, 3 पेज करके पूरा आ चुका है। तो इस तरीके से आपको अपने पीडीएफ बनाने हैं बड़ी आसानी से, आपके एग्जाम के लिए अपने पीडीएफ बिल्कुल क्वालिटी वाले पीडीएफ बन जाएंगे और आप इसे अपलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी रिगार्डिंग तो आप इंस्टाग्राम में हमसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।